सामाजिक संवेदना के विकास के साथ ही आदि मानव को भाषा की आवश्यकता का अनुभव हुआ। अपने प्रारंभिक जरूरतों के लिए पहले वो संकेत से ही काम चला लेता था, पर जो जो प्रेम, सहचर्य, सामाजिकता आदि का विकास होता गया, उसे अपने भाव और गंभीर विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत पड़ी और तब उसने एक पुख्ता माध्यम अपने लिए तलाश लिया। संप्रेषण का सबसे उत्तम, सार्थक और सटीक माध्यम भाषा है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पूरे तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। भाषा ज्ञान प्रारंभ में चूंकि मौखिक रूप तक सीमित था, अतः शुद्ध अशुद्ध पर भी वह बहुत आधारित नहीं था, पर धीरे धीरे जो जो मानव सभ्य होता गया, उसने अपनी भाषा को भी संस्कारित कर लिया। बुद्धिजीवियों और व्याकरणों ने व्याकरण के माध्यम से भाषा को शुद्ध और मानक रूप प्रदान किया। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का नियमन करता है और भाषा के शुद्ध और समुचित रूप का विवेचन करता है। किसी भी भाषा के अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि व्याकरण ज्ञान भी किया जाए, क्योंकि जब तक हम किसी भाषा के व्याकरण को नहीं समझते, तब तक उस भाषा को उसकी पूर्णता में समझ पाना संभव ही नहीं है। व्याकरण यह सिखाता है कि शुद्ध भाषा कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण यानी कि वर्णमाला के जितने अक्षर हैं वे सब वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण हैं। अ आ ई ई आदि स्वर हैं और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि व्यंजन हैं। इन वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों का सार्थक योग शब्द है और सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध संगठन वाक्य कहलाता है। वाक्य अपने माध्यम से एक भाव और विचार को पूरी तरह से अभिव्यक्त करता है। वाक्य में कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। जैसे सीता गाना गाती है में सीता करता है और गाती है क्रिया है। वाक्य रचना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। इससे तात्पर्य है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का जो स्थान सुनिश्चित है, उसी स्थान पर उनको रखा जाए। जैसे प्रारंभ में कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया हिंदी में प्रयोग की जाती है। क्रिया का जो रूप है वह कर्ता के अनुरूप हो, यानी कर्ता पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन होगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए पढ़ता है क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है। लेकिन यदि कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्रिया का रूप भी स्त्रीलिंग एक वचन होगा। जैसे सीता गाना गाती है, सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया गाती है स्त्रीलिंग है। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया का रूप भी बहुवचन का होगा। जैसे सीता, गीता और नीता तीनों बाजार जा रहे हैं। इसी प्रकार क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार निर्धारित होगा। कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप होता है, पर अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार निर्धारित होगी। जैसे राम ने खाना खाया, यहाँ पर खाया का निर्धारण कर्म
खाना ने किया है। वाक्य रचना करते समय दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य में व्यक्त होने वाला भाव और विचार पूरी तरह से स्पष्ट हो सके, तभी भाषा की सार्थकता है। वाक्य रचना के समय एक और बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में पुनरुक्ति दोष न हो। पुनरुक्ति दोष से मतलब है कि एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में न करें। जैसे यदि मैं कहूँ कि राम और भरत परस्पर एक दूसरे के भाई हैं, तो यहाँ परस्पर और एक दूसरे में एक ही अर्थ व्यंजित हो रहा है, अतः यह पुनरुक्ति दोष है। या मैं सायंकाल के समय घूमने जाती हूँ, तो समय और काल दोनों में एक ही अर्थ व्यंजित है, इसलिए हमें दोनों में से एक ही का प्रयोग करना होगा। यानी मैं साय के समय घूमने जाती हूँ या मैं सायंकाल घूमने जाती हूँ। वाक्य रचना के समय हमें एक और बात का ध्यान रखना होगा कि विशेष जो है उसके पहले विशेषण का प्रयोग होता है। यानी काली गाय, दुबली लड़की, विशेषण पहले आएगा, विशेष्य बाद में आएगा। वाक्य रचना के समय एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि वाक्य में अनावश्यक और असंगत शब्दों का प्रयोग न हो। असंगत से मतलब है कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होने जा रहा है उनमें आपस में संगति का निर्वाह किया जाए। यानी दो शब्दों के बीच में जो एक संगति है, जो एक बैलेंस है, उसका निर्वाह होना आवश्यक है। जैसे यदि मैं कहूँ कि मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशंका है, तो यहाँ पर संगति का निर्वाह नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तीर्ण होने की हम आशा करते हैं, आशंका अनुत्तीर्ण होने की जाती है, अतः इस संगति को हमें देखना होगा। अगर हम यह निर्वाह नहीं करते तो वाक्य रचना में त्रुटि होने की संभावना है। वाक्य में एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य एक अर्थ को पूरी तरह से अभिव्यक्त करे। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, दूसरा विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कथन वाक्य में किया जा रहा है, और उस उद्देश्य के बारे में जो कथन किया जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे सीता गाना गाती है में सीता उद्देश्य है और गाना गाती है विधेय है। वाक्य में वाक्यांश जो होता है वह अपने आप में पूरा अर्थ व्यक्त करने की क्षमता नहीं रखता। जैसे मैं कहूँ कि राम के पहुँचते ही मोहन आया, तो राम के पहुँचते ही यह एक वाक्यांश है, वाक्य का एक टुकड़ा है। उपवाक्य भी अपने आप में पूरी तरह से अर्थ को व्यंजित करने की क्षमता नहीं रखता है। उपवाक्य दूसरे वाक्यों पर आश्रित रहकर अपने अर्थ को अभिव्यंजित करता है। जैसे राम का राज्याभिषेक तब होगा जब राजा दशरथ आदेश देंगे। राम का राज्याभिषेक तब होगा, यह एक उपवाक्य है। भाषा कौशल सीखने के लिए या संप्रेषण कौशल हमें अच्छे से आ सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम यह देखें कि वाक्य रचना कितने प्रकार की होती है। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं, नंबर एक सरल वाक्य, नंबर दो मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, नंबर तीन संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम सरल वाक्य को देखेंगे। जैसा नाम है उसी के अनुरूप यह वाक्य रचना बिल्कुल सरल है, यानी एक कर्ता और एक क्रिया। मोहन स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है, गाय घास चरती है, ये सब सरल वाक्यों के उदाहरण हैं। पर सरल वाक्य से यह तात्पर्य नहीं है कि सरल वाक्य हमेशा छोटा ही होगा। कभी कभी
सरल वाक्य बहुत लंबा भी हो सकता है, पर रचना उसकी सरल ही होगी। जैसे एक वाक्य मैंने अभी कहा कि गाय घास चरती है, ये सरल वाक्य है, पर इसको हम विस्तृत रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे श्यामू की काली गाय बड़े मैदान में हरी हरी घास धीरे धीरे चरती है। यह वाक्य विस्तृत हो गया, लेकिन रचना की दृष्टि से यह अभी भी सरल ही है। वाक्य का दूसरा प्रकार रचना की दृष्टि से है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, जिसमें एक उपवाक्य प्रमुख होता है और शेष उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं। जैसे ऐसा कौन मनुष्य है जो महाप्रतापी राजा भोज को न जानता हो। मिश्र वाक्य की जब हम रचना करते हैं तो उसके लिए हमें समुच्चय बोधक अव्यय की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे तैसे, ज्यों त्यों, ऐसा वैसा, यदि त्यों, यद्यपि तथापि आदि आदि। यद्यपि मैंने मेहनत बहुत की थी, तथापि मैं उत्तीर्ण नहीं हो सका। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। इस तरह के वाक्य मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। नंबर तीन पे है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में भी मिश्र वाक्य की तरह दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। ये सारे उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं, अपने आप में प्रधान हैं। जैसे कि मैं कॉलेज गया और बारिश आ गई। ये संयुक्त वाक्य में जो जोड़ने वाले अव्यय हैं वो संयोजक होते हैं या विभाजक होते हैं या परिणाम सूचक होते हैं। मैंने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए मेरा परीक्षा परिणाम अच्छा आया है। एक और बात है, उसी अर्थ को संभालते हुए हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं और मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल सकते हैं। इसे हम वाक्य परिवर्तन कहते हैं। राम जितना शिक्षित है उतना विनम्र भी, यह मिश्र वाक्य है। पर अगर हमें इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है तो हम कहेंगे कि राम शिक्षित भी है और विनम्र भी। यानी रचना की दृष्टि से उस अर्थ को बचाते हुए हम उसमें उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। वाक्य से जो अर्थ निकलता है उसके आधार पर हम जब वाक्य के भेद करते हैं, उसे अर्थ की दृष्टि पर के आधार पर किए गए वाक्य के भेद कहते हैं। नंबर एक है विधिवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी काम का करना या होना पाया जाता है, यानी काम में जब स्वीकृति का भाव मालूम पड़ता है तो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाएगा, मुझे अपनी पढ़ाई अभी ख़त्म करनी है, सदा सत्य बोलना चाहिए। नंबर दो पर है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में निषेध शब्द से सूचित होता है कि यहाँ काम के नहीं होने का भाव अभिव्यंजित होता है। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा। पर यह आवश्यक नहीं है कि निषेधवाचक वाक्य हमेशा नहीं का प्रयोग करके ही बनाए जाएं। मत, विहीन, रहित, शून्य आदि का प्रयोग करके भी निषेधवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारी कक्षा धूल रहित है, यह स्थान जन शून्य है। इस प्रकार के वाक्य भी निषेधवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। नंबर तीन है प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न किया जाता है। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन, क्या, किसका, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना की जाती है। नंबर चार पर है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्यों में आदेश या प्रार्थना की जाती है। जैसे कक्षा में शांत बैठो,
तुम्हें अपने गुरुदेव की आज्ञा माननी चाहिए। इस प्रकार के वाक्यों को हम आज्ञावाचक के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 5 है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्यों में कोई सदिच्छा या आशीर्वाद के भाव की अभिव्यंजना की जाती है, जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें स्वस्थ सुखी और दीर्घायु रखे। ऐसे आशीर्वचन या इच्छा व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक के अंतर्गत आते हैं। नंबर 6 पर है विस्मय आदि बोधक वाक्य। इसके अंतर्गत हर्ष, शोक, दुख, घृणा, अचरज आदि के भाव को अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे मैंने पहले कहा हर्ष, हुर्रे हम जीत गए, यहाँ पर हर्ष का भाव व्यंजित हो रहा है। शोक या दुख, अरे राम यह क्या हुआ। तीसरे पे हमने देखा अचरज, वाह क्या सुंदर दृश्य है, और घृणा, छी यह क्या गंदा पड़ा है। इस तरह के भावों की अभिव्यंजना विस्मय बोधक वाक्यों के द्वारा होती है। नंबर 7 पर है संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा कोई शर्त या कोई संकेत प्रस्तुत किया जाता है, जैसे यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, या फिर वह लड़का जिसने पीली कमीज पहनी है मेरा भाई है। नंबर 8 पर है संदेहवाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है कि जब शंका या संदेह व्यक्त किया जाए या कोई संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर जो वाक्य का स्वरूप होगा वह संदेहवाचक होगा, जैसे मैं आज शायद ही कॉलेज आऊँगा, या फिर हो सकता है कि तुम मेरे यहाँ आओ तो मैं न मिलूँ। इस प्रकार जब भाव व्यंजित होता है तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य संरचना के इस अध्याय के अंतर्गत हमने जिन चीजों को प्रमुखता से देखा है उन पर एक नजर आप फिर से डाल लीजिए। पहली बात कि वाक्य संरचना भाषा कौशल के लिए एक आवश्यक अंग है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से डेवलप हो सके तो वाक्य संरचना पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। रचना की दृष्टि से हमने देखा कि वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के हैं, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादि बोधक। ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं।